आपका बहुत बहुत धन्यवाद बापा कि आपने विराट सर को ठीक कर दिया। ये 108 उखरीद से मोदक का प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। विराट, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, हम सब क्या करते विराट, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। उस हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हें श्रुति का पति बता रहे थे, उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पाप का नाम तुम्हारा था विराट सवान। ये सब देखते हुए हमारा विश्वास डगमगा गया। तो क्यों डगमगा जाए, वो विश्वास ही क्या, मैं तो आपके लिए मर चुका था ना। यही कहा था ना आपने, मैं इससे भी ज्यादा आपने कुछ कहा था। आप सोच लेंगे कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। विराट, आपने मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, जब मुझे सबसे ज्यादा आपके विश्वास की जरूरत थी। अकेला छोड़ दिया मुझे, तब आपकी चिंता सिर्फ इतनी थी कि उस श्रुति को जेल हो जाए। हो गई जेल उसे। आपका मकसद पूरा हो गया बाबा। अब मेरा सिर्फ एक मकसद है, यहां तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी देखभाल करना। हम सब समझ गए बेटा कि ये सब तुमने क्यों किया था, सब साफ हो गया है। ऐसे कैसे एकदम सब साफ हो गया? जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उसके एक दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था। एक बात हमेशा याद रखना, फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं, ऑलवेज ड्यूटी फर्स्ट। मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाई थी, दो मासूम जिंदगियों को बचाने की ड्यूटी, अपने इस परिवार को खतरे से दूर रखने की ड्यूटी, और इसके बदले आपने मुझे मेरे छाती पर इतना बड़ा मेडल लगा दिया और उस पर सुनहरे अक्षर से लिख दिया कि आपको मेरा बाबा कहलाने में शर्म आती है। रोज भगवान को कोस रहे थे आप कि मैं क्यों आपका बेटा हूं। अपना फर्ज निभाने का आपने कितना अच्छा इनाम दिया है ना मुझे, ये सब आपको याद है या आप भी ओमी काका की तरह सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे आप सब से कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, आप सबकी खामोशी चीख चीख कर मेरे सवाल का जवाब दे रही है। चले जाइए सबके सब यहां से, कोई नहीं चाहिए मुझे यहां पर। मैं आप कौन है? मैं आई हूं तुम्हारी। हाँ, आई है आप मेरी, शायद इसीलिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद मैं ही आपका बेटा हूं क्योंकि आपने मुझ पर ही शक किया, अरे कम से कम अपने ही परवरिश पर भरोसा कर लेती। एक आप ही तो थी जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी। मैं किसी मुसीबत में आऊं उससे पहले आप समझ जाती थी मेरा दर्द। तो फिर इस बार क्या हुआ? जब मेरी सही से शादी हुई थी, यहां जितने खड़े हैं सब मेरे खिलाफ थे सिवाय आपके, लेकिन आज जो औरत मेरे सामने खड़ी है, पता नहीं कौन है, मेरी आई तो नहीं है। मेरी आई? मेरे कहने से पहले मेरा दर्द, हर दर्द समझ जाती थी। कम से कम अपने खून पर भरोसा कर लिया, अपने सिर्फ मुझे लाड़ और प्यार से नहीं, उसूलों से भी पाला है।
से कैसे सोच लिया आपने कि आपका घोड़ा इतना गिर जाएगा कि आप ही उस उलों के खिलाफ चला जाएगा। आबा, आप यहां? सही, ये मोदक किसके लिए बना रहे हैं और इतने सारे? आबा, आप जैसे मेरे लिए मन्नत मांगते थे ना, बस मैंने भी विराट सर के लिए मन्नत मांगी है और पापा ने मेरी मन्नत सुन ली, विराट सर ठीक हो गए। सही, तुझे याद है 10वीं क्लास में जब तू पहले आई थी, तब वो खबर तूने मुझे कैसे सुनाई? आबा, मैं 10वीं क्लास में पहली आ गई हूं और 12वीं में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था। तब आबा, मैंने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है लेकिन आबा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा, कि खुशी की खबर तू खुशी से देती है, तो विराट के ठीक होने की खबर या इसे मुंह लटका के क्यों दे रही हूं? मैंने खुद को विराट सर की पत्नी दोबारा मान लिया है, लेकिन विराट सर तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। और बताए, गलती भी मेरी है। अब गलती की है तो सजा तो मुकदमी पड़ेगी ना। गलती मानना हिम्मत का काम होता है और हार मानना बुजदिलों का। अब मुझे बता, मेरी बेटी हिम्मत वाली है या बुजदिल? लेकिन आबा, हिम्मत वाली है या बुजदिल? हिम्मत वाली है ना, तो फिर ऐसे बुजदिलों की तरह हार क्यों मान रही है? आबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है। मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया जिस पर आपने भरोसा किया था। आपने उन्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने उन पे शक किया और अब विराट सर मुझसे इतना नाराज है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एक वक्त था जब मैं आपसे नाराज थी कि आपने विराट सर से मेरा ख्याल रखने का वादा क्यों लिया, और अब मैं खुद उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। लेकिन अबा, शायद बहुत देर हो गई है। बेटा, तूने वो कहावत सुनी है, देर आए दुरुस्त आए? कभी कभी कुछ दुरुस्त होने के लिए देर होना बहुत जरूरी होता है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? न जाने क्यों आज पुरानी बातें याद आ रही हैं। से तुझे याद है, तू जब इतनी सी थी तब तुझे तेरे जन्मदिन पर गुड़िया चाहिए थी? हाँ, और अब नहीं ला पाए थे। और तब तूने मुझे, आप बहुत गंदे हैं आबा, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसी बोली थी। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। तो विराट ने भी तुझे गुस्से में ही दूर जाने के लिए कहा था? लेकिन आबा, वो मुझसे बहुत 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 ज्यादा गुस्सा है। तो तू क्या कम गुस्से वाली है? तूने भी गुस्से में विराट को क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी विराट तेरे साथ था ना? तो अब तू उसे अकेला छोड़ना चाहती है? लेकिन आभा, शायद विराट सर की जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, मैंने तुझसे पूछा था, तू हिम्मत वाली है या बुजदिल? हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन आभा, शायद आपने एक बार फिर
मुझे सही रास्ता दिखाया आबा। आप सही कह रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। रहने दो ना, ये मेरी गलती का नतीजा है, भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था गुरु, जो मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई हूँ, तो शक किया मैंने। हे देवा, कैसी आई हूँ मैं, जो अपने बेटे को मन की आंखों से नहीं दुनिया की आंखों से देख रही थी। बहुत गलत किया मेरे गुरु, बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला कहा तुमने, शक किया तुमको, इन हाथों से मेरे मोरो मेरे, बहुत गलत किया, बहुत। मामी 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 मामी, एक शिवा, हम सब जानते हैं कि तू हमसे नाराज है, और तेरा नाराज होना जायज है मेरे भाई। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तेरा है ना, ये तो दूर क्यों खड़ा है, पास में गला दबाना बे। ए शिवा, अरे भाई, भाई भाई कितना मुझे, शायद आपको पता नहीं होगा, आप सबको पता क्या कहा था कि अगर भाइयों का तलाक हो सकता था तलाक दे। तुम मेरी बात क्या कर रहे हो, हाथ मत लगा, गंदी नाली का कीड़ा हूं मैं, तुम लोग जैसे ईमानदार और इज्जतदार लोग गंदे हो जाएंगे। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, अकेले ही सारी मुश्किलों सामना क्यों करता रहा, तुझे अपने जीवा पे भरोसा नहीं था क्या मेरे भाई? अगर तू मुझे बताता तो मैं तेरी सुनता नहीं, तेरी मानता नहीं। तुझे पता है विराट कि मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, तू एक बार मेरे भाई मुझे बताता, मैं इसमें तेरी मदद करता। मुझे तुझे कुछ भी बताने की जरूरत कब से पड़ गई, एक बार अपने शिवा को जीवा समझ के समझाओ था, तुमने मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं के मेरी लाचारी की वजह समझी होती, पूछ लिया होता। पर तूने मेरी आंखों में जाकर अपना ही जवाब ढूंढ लिया, गलत जवाब, मान लिया कि मैं एक घटिया किस्म का आदमी हूं, धोखेबाज हूं, जिसके साथ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। रिश्ता तोड़ दिया यार तुमने अपना, जीवा शिवा ची जोड़ी जीव घेतला रे तू, जीव घेतला रे तू जोड़ी चा। मान लिया कि तेरे दिल में सही के लिए बड़े भाई का प्यार, पर उसी दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहां से आ गई? खैर जाने दे, इन सब बातों से अब कोई मतलब नहीं। याद है तूने स्कूल में मुझे रहीम का एक दुआ सिखाया था, आज वही दुआ मैं तुझे सिखाता हूं, सिखाता नहीं याद दिलाता हूं। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज तेरे और मेरे रिश्ते में गांठ पड़ गई है जो कभी नहीं खुलेगी, कभी नहीं। विराट प्लीज, हम सबकी भी बात मान लो, क्योंकि हम सबने जो कुछ भी किया वो उन हालातों में किया, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। नहीं पुरकित, मेरी देवी ताई बहुत भोली है, जो उनकी आंखें देखती है वही समझती है, बिल्कुल बच्चों जैसी, ना किसी की अच्छाई याद रखती है
ना किसी की बुराई, पर ये लोग ये सब समझते हैं, ये सब मुझे जानते हैं। मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरी परवरिश क्या है, सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर शक किया है इन्होंने। शक नहीं, फैसला सुना दिया सीधा कि मैं गलत हूं। जब मैं सही समय में हॉस्टल आया था तब आपने मुझसे क्या कहा था, याद है? इतना सब कुछ हो गया और अब भी तुम सही को अपनी वाइफ कह रहे हो, उस पर अपना हक जता रहे हो। आपने मुझ पर सही को किडनैप करने का इल्जाम भी लगाया, मुझे गाली देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। Get out. ये क्या तरह? I said get out, you rascal. इसलिए पुलकित, किसी की भी तरफदारी मत करना मेरे सामने, खास तौर पर अपनी। यहाँ पर खड़ा हर एक शख्स ने मुझे मुजरिम माना है। किसी ने धोखेबाज, तो किसी ने कठिया, तो किसी ने पता नहीं क्या कुछ नहीं मान लिया। अब सिर्फ सही का साथ देना चाहते थे। एक भी बार नहीं सोचा कि मेरे क्या क्या नहीं झेला है। विराट, झेला तो सही ने भी बहुत कुछ है ना। जख्मी हालत में उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये सब सही के खिलाफ थे, लेकिन सही ने हार नहीं मानी, क्योंकि बात तुम्हारी जिंदगी की थी। ये सही की बात कहां से आई बीच में? हमारे परिवार के मामले में बाहर वालों का नाम मत लो। हम विराट से हम बात... सब अगर इस वक्त विराट से बात कर रहे हैं तो उसकी वजह सही है। विराट अगर इस वक्त सांस ले रहा है उसकी वजह भी सही है। तुम नहीं जानते तुम्हारी जान बचाने के लिए सही ने क्या क्या नहीं किया। आपको सच में लगता है कि सही ने मेरी जान बचाई? सच में ऐसा लगता है कि मैं बच गया? ऑफ कोर्स विराट, आज तुम्हारी जान सही की वजह से बची है। अगर वो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर आती, तुम्हें एडमिट नहीं कराती, और तो और जख्मी हालत में उसने तुम्हारे लिए गोडाउन जाके इंजेक्शन चुराया, अगर वो सही वक्त पर इंजेक्शन नहीं लाती जो पूरे नागपुर में अवेलेबल नहीं था, तो आज तुम मर जाता। मर जाने देते। जब मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सही ने साथ छोड़ दिया, जब मेरे अपनों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे सच में सदा का वादा नहीं निभाना होता, अगर श्रुति और साहस को बचाना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी निभानी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। सही ने उस विराट को नहीं बचाया जिसे आप लोग जानते। सही ने तो सिर्फ एक लाश को बचाया, और सही ने खुद कहा है कि लाश को बचाया नहीं जाता, सिर्फ जलाया जाता है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.